नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। सारंगढ़ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश, जुनून और ऊर्जा के साथ अपने नेता के आगमन पर जो तैयारी की, जिसे देखकर आम जनता भी दंग रह गई। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन में गौ सेवा आयोग के सदस्य पुरुषोत्तम साहू एवं छत्तीसगढ़ शासन में तेलघानी विकास बोर्ड के अध्यक्ष संदीप साहू का जब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पदभार ग्रहण करने के पश्चात सारंगढ़ आगमन पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ साहू समाज के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने नेता के प्रति जोश एवं जुनून के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए देख। कई जगह पर कार का काफिला देखा गया तो कई जगह पर बाइक की रैली निकाली गई। जगह जगह पर कार्यकर्ता झंडे उठाकर अपने नेता के स्वागत में लगे थे, तो वहीं कई जगहों पर अपने नेता को आकर कार्यकर्ता तैयार थे। एक एक जगह पर कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिला। सारंगढ़ तहसील साहू संघ द्वारा अपने नेता छत्तीसगढ़ शासन गौ सेवा आयोग के सदस्य पुरुषोत्तम साहू एवं छत्तीसगढ़ शासन तेलघानी विकास बोर्ड के अध्यक्ष संदीप साहू के आगमन पर सारंगढ़ तहसील साहू संघ की जोरदार तैयारी देखने को मिली। सारंगढ़ तहसील साहू ने 50 से अधिक कार का काफिला लेकर रायगढ़ जिला एवं महासमुंदर बोर्ड पर भव्य स्वागत किया गया एवं काफिले के माध्यम से अपने नेता को लेकर आगे बढ़ते हुए काफिले को देखते ही आसपास के लोग देखते रह गए। सारंगढ़ युवा कांग्रेस के अध्यक्ष महेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में सैकड़ों युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता दानसरा बैरिया में कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाकर फूलमाला एवं गुलदस्ते के साथ पुरुषोत्तम साहू एवं संदीप साहू का भव्य स्वागत अपने नेता के स्वागत के लिए तैयार होकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान युवा कांग्रेस के ऊर्जा में एक अलग प्रवाह देखा गया। सारंगढ़ में महज 3 किलोमीटर दूर सारंगढ़ NSUI का दमखम देखने को मिला। पुरुषोत्तम साहू एवं संदीप साहू के आगमन पर सारंगढ़ NSUI पेट्रोल पंप हाईवे ढाबा के पास सैकड़ों की संख्या में NSUI के कार्यकर्ता उपस्थित हुए। साहू समाज की कार रैली युवा कांग्रेस द्वारा निकाली गई। बाइक रैली में NSUI द्वारा आतिशबाजी एवं बाइक रैली के साथ पुरुषोत्तम साहू एवं संदीप साहू सारंगढ़ रेस्ट हाउस पहुंचे और सारंगढ़ रेस्ट हाउस में छत्तीसगढ़ कलाकारों एवं छत्तीसगढ़ नृत्य, छत्तीसगढ़ी गीत आदि से भी उनका स्वागत किया गया। उक्त अभिनंदन कार्यक्रम में सारंगढ़ विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरुण मालाकर आदि भी उपस्थित रहे और सभी नेताओं ने धन्यवाद किया। रेस्ट हाउस के कार्यक्रम के बाद काफिले के साथ पुरुषोत्तम साहू व संदीप साहू कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अगुवाई में रानी सागर स्थित साहू धर्मशाला पहुंचे, जहां पर साहू समाज के कई दिग्गज नेताओं द्वारा स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागत कार्यक्रम के दौरान मंच से रूबरू होते हुए छत्तीसगढ़ शासन गौ सेवा आयोग के सदस्य पुरुषोत्तम साहू ने कहा कि सबसे पहले मैं हर पल सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से हमेशा कार्यकर्ता रहूंगा। कांग्रेस पार्टी एक एक कार्यकर्ता हर सुख दुख में खड़ा होना मेरा परम कर्तव्य है। समाज मेरा परिवार है। साहू समाज के प्रत्येक व्यक्ति हर सुख दुख में मैं काम आना मेरा धर्म है। NIS कांग्रेस के जिंदाबाद करते हुए मैं नेता बना और समाज में मुझे इतना प्यार दिया। आज मैं इस पद पर हूँ। सभी कांग्रेस के नेता और समाज के बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूँ। हर पल खुशी है उनके साथ हूँ। भूपेश बघेल जी का हृदय से आभार है। छत्तीसगढ़ शासन के तेलघानी विकास बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष संदीप साहू ने सारंगढ़ आगमन पर कहा कि मैं सारंगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दिख रहे जोश के लिए धन्यवाद देता हूँ। मुझे सारंगढ़ जैसा प्यार हमेशा मिलता रहे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि NSUI कांग्रेसियों में जिंदाबाद करते करते आज मैं नेता हूँ। कांग्रेस पार्टी जिसमें कार्यकर्ताओं के काम के हिसाब से पद मिलता है। मेरा पूरा परिवार कांग्रेसी विचारधारा में हमेशा से ही रुझान रखता आया है। कार्यक्रम के पश्चात NSUI युवा कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं तहसील साहू संघ के कार्यकर्ता सभी सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने KR रेस्ट हाउस में मिलकर भोजन किया और साथ ही अपने नेताओं का आगमन पे उत्सुक नजर आए। R9 भारत के लिए स्पेशल रिपोर्ट सारंगढ़। सागर विधायक श्रीमती उत्तरी जांगड़े जी के शिक्षा विभाग विधायक प्रतिनिधि श्याम पटेल सारंगढ़ तहसील के ग्राम कपिस्ता के प्राइमरी एवं मिडिल स्कूल पहुंचकर बच्चों से उनका हालचाल जाना एवं स्कूल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते एक साल से भी अधिक समय से स्कूल और कॉलेज बंद होने की वजह से बच्चों की कक्षाएं नहीं चल पा रही है, जिसमें उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। वहीं कोरोना केस में कमी आने के बावजूद भी शासन ने 2 जुलाई से स्कूल पुनः प्रारंभ कर दिए हैं, जिससे बच्चे अब फिर से पहले जैसे स्कूल जाकर शिक्षकों के मार्गदर्शन में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए काफी राहत की खबर है। इसी के तहत शिक्षा विभाग विधायक प्रतिनिधि श्याम पटेल ने कपिस्ता पहुंचकर प्राइमरी एवं मिडिल स्कूल के बच्चों से कक्षाओं में पहुंचकर उनका हालचाल जाना एवं स्कूल में किसी भी प्रकार की समस्या हो रही हो तो उसे बतलाने को कहा, जिस पर बच्चों ने किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने के साथ स्कूल में अच्छी पढ़ाई होने की बात कही। वहीं श्याम पटेल ने वहां के संकुल समन्वयक जीत राम बरेठ एवं प्राथमिक शाला प्रभारी प्रधान पाठक गजाधर चौहान जी से चर्चा कर स्कूल परिवेश को हमेशा स्वच्छता बनाए रखने एवं बच्चों की उपस्थिति संबंधी जानकारी ली। इस तरह बच्चे हमेशा मास्क अनिवार्य रूप से लगाकर स्कूल आने के लिए प्रेरित करने की बात कही, जिससे बच्चों पर संक्रमण का खतरा न मंडरा। स्कूल निरीक्षण के दौरान विधायक प्रतिनिधि श्याम पटेल के साथ NSUI गुलशन लहरे, मीडिया रिपोर्टर तीरथ निराला एवं जितेंद्र चंद्रा भी उपस्थित रहे। R9 भारत के लिए स्पेशल रिपोर्ट कोसी।
नारंगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत रीवा पार के आश्रित ग्राम डंगनिया में पिछले दिन तालाब के नीचे खेत में एक 34 वर्षीय युवक संजय बर्मन की लाश मिली, जिसे उसके परिवारजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जिस पर मौके पर वारदात पर पहुंचे कोसी पुलिस प्रभारी थाना प्रभारी शिवनाथ टंडन की टीम ने शव का पंचनामा कर थाने में मर्ग कायम करते हुए जाँच पड़ताल की पूरे जोरों शोरों से कर दी है तथा 4 अगस्त सुबह ग्राम डंगनिया में एक युवक दिनेश वर्मन पर संदेह प्रकट करते हुए उसे पकड़ कर पूछताछ किया गया तो पूछताछ के दौरान आरोपी बच नहीं पाया और उसने अपना गुनाह कबूल कर दिया। इस तरह से कोसीर पुलिस की टीम ने बड़ी होशियारी के साथ मर्डर कांड की गुत्थी सुलझाने में सफलता पाई। विदित हो कि आरोपी दिनेश वर्मन गांव डंगरिया में उसी परिवार के हैं जिसका उम्र अभी लगभग 17 है। के आसपास से इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना बड़ी चौंकाने वाली बात है। अभी पूरे गाँव में सनसनी का माहौल है, लोगों में एक सोच बनी हुई है कि आखिर इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना बहुत ही घातक है। और प्रभारी थाना शिवनाथ टंडन जी से बात करने पर बताया कि आरोपी घटना को अंजाम देकर वही भाग गया था, फिर वापस काम करने के लिए आया। आरोपी दिनेश वर्मन कोसीर के होटल में सर्वर का काम करता है और जिस पर शक के दरमियान लगाया गया, जो कि काफी मशक्कत और पूछताछ के दौरान आरोपी ने गुनाह कबूल कर आरोपी दिनेश शर्मा ने बात करने पर बताया कि मृतक संजय वर्मन और मैं एक ही परिवार के हैं। मैं बहुत सालों से इनके परिवार और हमारे परिवार के जमीन संबंधी पुरानी रंजिश है। मैं गरीब हालत से लाचार हूं और ऐसे हालत में घटना को अंजाम दिया। अभी कोसीर थाने में आरोपी को पकड़ कर कागजी कार्रवाई चल रही है, बहुत ही जल्द आरोपी को जेल भेज दिया जाएगा। R9 भारत के लिए स्पेशल रिपोर्ट कोसी। पुलिस अधीक्षक सूरतपुर श्रीमती भावना गुप्ता के द्वारा यातायात नियमों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से पुलिस अधिकारियों का वाहन चेकिंग कर समझाइश देने एवं नियमों के उल्लंघन पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कई अवसरों पर खुद पुलिस अधीक्षक ने लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक कर हेलमेट पहनने की समझाइश एवं जरूरतमंद लोगों को हेलमेट का वितरण भी किया। पुलिस की इस विशेष पहल से प्रेरित होकर कई नगर के व्यवसायी रामविलास मित्तल के द्वारा पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर जरूरतमंद लोगों को हेलमेट प्रदान करने के लिए 20 नग हेलमेट का सहयोग किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जरूरतमंद लोगों को वितरण करने के लिए हेलमेट का सहयोग अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि प्राप्त हेलमेट की चेकिंग के दौरान जरूरतमंदों को वितरण किया गया है। इस दौरान स्थापना प्रभारी अखिलेश सिंह अग्रिमा मिश्रा मौजूद रहे। हेलमेट वितरण में करे सहयोग पुलिस अधीक्षक ने हेलमेट वितरण के इस कार्य में सभी संगठन व्यवसाय प्रतिष्ठानों व समाज के गणमान्य लोगों से अपील की है कि वे हेलमेट दान के कार्यक्रम में हिस्सा लें और जरूरतमंद लोगों को हेलमेट उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने कहा कि हेलमेट दान करने से दुर्घटना से किसी की जान बचाई जा सकती है। R9 भारत के लिए इमरान अहमद की रिपोर्ट, सूरजपुर छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें।